नमस्कार छात्रों, स्वागत है आपका इस स्टडी ग्रो चैनल पर। आज की वीडियो कक्षा 10वीं हिंदी पेपर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि जो हिंदी के पेपर में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं उन प्रश्नों को हम लेकर आए हैं। और ये जितने भी प्रश्न यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं, इसमें से सबसे अधिक प्रश्न आने वाले हैं। आज की वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि मात्र एक दिन पहले आपको इस वीडियो को देख लेना है और यहाँ से काफी सारे नंबर आपकी कम्प्लीट होने वाले हैं। जब आपके सामने पेपर आएगा तब आपको पता चलेगा कि वाकई में ये वीडियो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट थी। तो सबसे पहले यहाँ पर कक्षा 10वीं का हिंदी पेपर को लेकर ये वीडियो है, और खास कर ली इस वीडियो में आपको ग्रामरली क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो कि हमने बार बार रिपीट होने वाले ग्रामरली क्वेश्चनों को यहाँ पर कवर किया है। इसके बाद में सेकेंड जो पार्ट आएगा ना, उसमें आपको सब्जेक्टिव मतलब जो आपके चैप्टर वाइज क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे। तो सबसे पहले तो आप इसमें अच्छा से रिस्पॉन्स दीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। तो पहला प्रश्न यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, संधि और समास में अंतर। तो संधि और समास में अंतर आपको देखने को मिल सकता है आपके पेपर में, और आपको संधि की परिभाषा, संधि किसे कहते हैं और समास किसे कहते हैं, इसके बारे में भी आपको पढ़कर जाना है। इसके बाद में सेकंड जो क्वेश्चन है वह लोक्ति किसे कहते हैं, और साथ में आपको उदाहरण भी करके जाना है इसका। इसके बाद में तीसरा प्रश्न, अतिशयोक्ति अलंकार और प्लस में उदाहरण। तो अतिशयोक्ति अलंकार किसे कहते हैं, इसको भी आपको पढ़ते जाना, और साथ में आपको उदाहरण भी पता होना चाहिए अतिशयोक्ति अलंकार किसे कहते हैं, जिससे कि जहां पर बात को अत्यधिक बड़ा चढ़ाकर बोला जाता है वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार आता है, और साथ में इसका उदाहरण भी आपको करना है। जैसे कि उदाहरण होता है, उदाहरण आपको कोई सी भी एक दो कर ले जाना है जो हमने पिछली वीडियो में बता रखा है। और इसके बाद में है चौथा प्रश्न है हरि गीति का छंद और प्लस में उदाहरण। तो हरि गीति का छंद और उसका उदाहरण भी आपको पढ़ के जाना है। और इसके बाद में गीति का छंद और उदाहरण, जो कि बार बार रिपीट होते हैं, बार बार यहाँ पर पेपरों में पूछे जाते हैं, उन्हीं प्रश्नों को हमने यहाँ पर कवर किया है, और आपको एक भी प्रश्न नहीं छोड़ना है इसमें से। इसके बाद में है पांचवा प्रश्न, महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर लिखिए, और साथ में इसका उदाहरण भी आपको पता होना चाहिए, महाकाव्य कौन से हैं और खंड काव्य कौन से हैं, इसको लेकर भी ऑब्जेक्टिव पूछ लिए जाते हैं। महाकाव्य लिखिए, महाकाव्य किसे कहते हैं और खंड काव्य किसे कहते हैं, इसको लेकर भी आपको एक दो नंबर में पूछ लिया जा सकता है, इसलिए महाकाव्य के उदाहरण भी आपको पता होना चाहिए। और महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर भी लिखना है, अंतर भी आपको याद करना है, साथ में महाकाव्य किसे कहते हैं और उदाहरण, इसके बाद में खंड काव्य किसे कहते हैं, इनकी परिभाषा भी आपको पता होना चाहिए। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है छठवां भाग, स्थायी भाव और संचारी भाव में अंतर लिखिए। तो यहाँ पर स्थायी भाव किसे कहते हैं और संचारी भाव किसे कहते हैं, ये भी आपको परिभाषा भी आपको पता होना चाहिए, और साथ में स्थायी भाव और संचारी भाव में अंतर भी आपको याद करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। इसके बाद में आ जाता है सातवां प्रश्न हमारा, सातवां प्रश्न जो है वह वीर रस किसे कहते हैं और इसका स्थायी भाव और साथ में उदाहरण। तो वीर रस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका उदाहरण भी आपको याद करना है, क्योंकि उदाहरण लिखने को भी बार बार ये आपको पेपर में देखने को मिलता है। और इसके बाद में है आठवां प्रश्न, आठवां जो प्रश्न है वो है स्थानांतरण प्रमाण पत्र, यानी कि यहाँ पर एप्लीकेशन के संबंध में है, एप्लीकेशन कई सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि एप्लीकेशन कौन कौन सी याद करना है, तो यहाँ पर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है स्थानांतरण प्रमाण पत्र, साथ में ध्वनि विस्तार के अंतरों पर रोक लगाने हेतु। और इसके बाद में जो थर्ड वाली है वह है अंक सूची की द्वितीय प्रति प्राप्त करने हेतु। तो यहाँ पर ये तीनों आप याद कर लीजिएगा, तीनों में से आपको जरूर आपको मिल जाएगी पेपर में देखने को, लेकिन काफी सारे स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो कि याद नहीं कर पाते हैं, तो बनाकर भी लिख सकते हैं, लेकिन हिंदी में छात्र बनाकर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन आपको एप्लीकेशन में एक चीज ध्यान रखना है, उसमें अगर नाम लिखने को आ जाता है कि आप सचिन नाम से आप एप्लीकेशन लिखिए, उसमें स्कूल का नाम भी आपको देखने को मिलता है, तो आपको उसी स्कूल के नाम से लिखने को बोलेगा, जैसे ही आप प्रश्न में देखने को मिलेगा कि सचिन नाम से एप्लीकेशन लिखना है और स्कूल का नाम भी आपको मिलेगा उस प्रश्न में, तो उसी आधार पे आपको उसी नाम पर उसी स्कूल पर उसी एड्रेस पर आपको एप्लीकेशन लिखना है, तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। तो वहां पर आप सिर्फ नाम वगैरह यही चेंज कर सकते हैं। और इसके अलावा हमारा नवा क्वेश्चन है वो है अंक सूची की द्वितीय प्रति प्राप्त करने हेतु। यहाँ पर नवा क्वेश्चन हमने बता ही दिया, इसके बाद में आ जाते हैं हम निबंध के ऊपर, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट यहाँ पर ज्यादा निबंध याद नहीं कर पाते हैं,
तो हम यहाँ पर चार निबंध बताएंगे यहाँ पर, और चार में से भी इम्पोर्टेंट दो निबंध आपको बताएंगे, जो कि अगर आप ज्यादा याद नहीं कर पा रहे हैं तो उसके लिए हमारे पास सॉल्यूशन भी है। तो पहला है इम्पोर्टेंट निबंध, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, विज्ञान के चमत्कार। तो विज्ञान के चमत्कार तो आपको कंपलसरी हर बार, लगभग हर बार पूछा ही जाता है, पेपरों में आपको देखने को ही मिलता है, कक्षा दसवीं की में, नवीं की में, तो इसको तो आपको याद ही कर लेना है। और साथ में यहाँ पर कंप्यूटर, कंप्यूटर का भी आपको याद कर लेना है, कंप्यूटर का भी इम्पोर्टेंट है। और जीवन में खेलों का महत्व, तो जीवन में खेलों का महत्व, ये भी एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है। और इसके बाद में है चौथा, पर्यावरण प्रदूषण, पर्यावरण प्रदूषण को लेकर भी ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर अगर आपसे चार निबंध याद नहीं हो पा रहे हैं तो आपको कौन कौन से याद करना है, क्योंकि सभी स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि पूरे के पूरे निबंध तो याद नहीं कर सकते, इसलिए जो इम्पोर्टेंट है और जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है ना इतनी जल्दी याद कर पाते हैं, तो उसके लिए आप विज्ञान के चमत्कार याद कर सकते हैं और पर्यावरण प्रदूषण। तो पर्यावरण प्रदूषण तो आपने सामाजिक विज्ञान में प्रदूषण से संबंधित जो प्रश्न पढ़े होंगे, जो प्रश्न याद किए होंगे, तो उसके आंसर से मिलता जुलता रहता है, उसके हिसाब से आप इसमें अच्छा से लिख कर आ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपको पूरे नंबर मिलेंगे, लेकिन आपको सही तरीके से हेडिंग डालकर आपको लिखोगे तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। जैसे कि जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण वगैरह, ये जितने भी प्रदूषण होते हैं, ध्वनि प्रदूषण, इसके बारे में आप लिखे जाइएगा, आपको नंबर जरूर मिल जाएंगे। इसके बाद में आ जाता है हमारा नेक्स्ट प्रश्न, वो है जो कवि परिचय, लेखक परिचय, कौन कौन से याद करना है। तो उसके लिए कवि परिचय और लेखक परिचय आपको सूरदास, जयशंकर प्रसाद, तुलसीदास और हजारी प्रसाद और राम वृक्ष बेनीपुरी, ये आपको याद कर लेना है। तो मैंने, आपने सोचा होगा इतने क्यों बताए, तो इसमें से कुछ कवि परिचय हैं, कुछ लेखक परिचय हैं, जो कि क्योंकि दोनों आते हैं चार चार नंबर में, तो यहाँ पर आपके आठ नंबर तो यही पक्के होने वाले हैं, क्योंकि चार चार नंबर में आ जाते हैं। तो और इसके बाद में ये जितने भी प्रश्न हैं ये सभी आपको याद कर लेना है। और साथ में आपको क्या याद करना है, रस किसे कहते हैं, साथ मैंने इसमें बताया होगा, तो रस के बारे में भी आपको पढ़कर जाना है, रस किसे कहते हैं, इसके रस कितने प्रकार के होते हैं और इनके स्थायी भाव, ये भी आपको पढ़कर जाना है। और इसके अलावा इस बोर्ड में काफी सारे यहाँ पर प्रश्न नहीं बन पाए थे, तो काफी सारे प्रश्न छूट गए हैं, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेंगे। लेकिन इससे पहले आप इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो कमेंट करके अवश्य बताएं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।